हाय, वेलकम बैक टू सेम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग के बारे में, जो है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग हमारे बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर कॉग्निटिव लर्निंग को जानने से पहले आइए जानते हैं कि एक्चुअली कॉग्निशन होता क्या है। कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है लर्निंग का और नॉलेज एक्वायर करने का, जिसमें बच्चे अपनी सेंसेस, एक्सपीरियंस और अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू चीजें सीखते हैं और समझते हैं। बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। कॉग्निटिव लर्निंग में आप अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज करते हैं और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, जिससे बच्चों में डेवलप होती हैं बहुत सी रीजनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, उनकी मेमोरी रिटेंशन बढ़िया होती है, वो प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली बहुत जल्दी सीखते हैं। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब चीजें यूज करते हैं और सीखते हैं। इनफैक्ट हमें एक जगह से दूसरी जगह, अपने घर के एक रूम से दूसरे रूम में भी जाना होता है, तो हमें अपने सेंसेस के थ्रू हमें पता होता है डायरेक्शन कौन सी है, हमें कितना टाइम लगेगा, हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर ये स्किल्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते तो अक्सर बच्चे कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं हो पाता, मेमोरी रिटेंशन बहुत पुअर होता है और जो उनकी ओवरऑल लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ घर पर ही कर सकते हैं और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने में और उस स्किल्स को डेवलप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाय हाय, तो ये है अंश और अंश आज हमारी मदद करेंगे एक्टिविटीज को समझने में। तो पहली एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं वो है बोथ हैंड पैटर्न ट्रेसिंग। इसमें आप देखेंगे ये पैटर्न है, दो डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू एंड रेड। तो पहले अंश ट्रैक करेंगे कि ब्लू कलर कौन सा साइड है, रेड कौन सी साइड है, और फिर उसके बाद दोनों स्केच पेंस लेके दोनों डिफरेंट कलर्स के आइडेंटिफाई करके इन लाइंस को दोनों हाथों से एक साथ ट्रैक करेंगे। तो चलिए अंश शुरू करते हैं। जी, पहले देखिए रेड किस तरफ है और ब्लू किस तरफ है, पिक द पेन। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इस एक्टिविटी में बच्चे का अटेंशन बहुत अच्छे से यूज होगा। बच्चा पहले ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, कलर को रिकॉग्नाइज करेगा, आपकी वर्बल कमांड्स को समझेगा, ऑडिटरी कम्युनिकेशन को प्रोसेस करेगा और साथ साथ में फिर दोनों हाथों से जब पैटर्न को ट्रैक कर रहा होगा उस टाइम पे बच्चे की अटेंशन बहुत फोकस होनी चाहिए। तो ये फायदा होगा आपको इस एक्सरसाइज से। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज इस तरीके का, फाइंड द पाथ। आप कोई भी ड्रॉइंग बना सकते हैं जिसमें कुछ गलत पाथ होगा, कुछ सही पाथ होगा, बच्चे को ट्रेस करना होगा कि उसे अगर इस बच्चे को आइसक्रीम तक पहुंचाना है तो कौन से रास्ते से पहुंचाएंगे। फन एक्टिविटी है, आप कोई भी पाथ डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए अंश के साथ इसको करते हैं। अंश, इस बच्चे को आपको इस आइसक्रीम तक पहुंचाना है, आप देखो कि कौन सा रास्ता सही है, उसे ट्रैक करके पहुंचा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, पहुंचा दिया। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसमें बच्चे की मेमोरी और साथ में रीजनिंग पे काम होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम होगा। तो डू ट्राई दिस एक्टिविटी विद योर चाइल्ड। एक और एक्टिविटी बच्चे के साथ कर सकते हैं आप, जिसमें आप पैटर्न्स बना देंगे इस तरीके से और बीच में कुछ कुछ शेप या अल्फाबेट या फिर नंबर मिसिंग रखेंगे। एंड देन आप बच्चे को गाइड करेंगे कि सही कलर का पेन चूज करें और उस कलर को मैच करते हुए उस पैटर्न को या जो मिसिंग अल्फाबेट या नंबर है उसको वहां पे लिखे। तो अंश हमें करके दिखाएंगे। अंश प्लीज करिए। वेरी गुड, ब्लू लिया आपने एंड यू क्रिएटेड अ
ट्रायंगल, वेरी गुड. नेक्स्ट. वेरी नाइस, गुड. वेरी गुड. तब अंश बड़े हैं तो वो आराम से अभी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कभी कभी बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं इन पैटर्न्स को समझने के लिए, क्योंकि इसमें रीजनिंग की जरूरत होती है. तो इन एक्टिविटीज से बच्चों की रीजनिंग डेफिनेटली इंक्रीज होगी. अंश के साथ अभी हमने कुछ इंटरेस्टिंग कॉग्निटिव एक्टिविटीज देखी. इस तरह की और भी एक्टिविटीज आप घर पर अपने आप बना सकते हैं, मगर काफी पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं. रिसेंटली हमें ओसवाल बुक्स में इस तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बुक्स मिली हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी टू यूज है, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और स्पेशली कॉग्निटिव स्किल्स को एनहांस करने में काफी मदद करेगी. इसमें एक्टिविटीज सिंपल एक्टिविटीज से स्टार्ट होकर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है. जैसे 3+ में फाइंड द पाथ है, जो 4+ में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. कलर कोडिंग के हिसाब से आप कलर करना है 3+ में, 4+ में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी. इसी तरह फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द सेम शेडोज, आपको और बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी एक ही जगह पर, जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं. ये बुक्स इजी टू यूज है और बहुत ही कलरफुल है, तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेकर इन्हें यूज करते हैं. 5+ की बुक्स में आप देखेंगे इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के अलावा सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक टॉल शॉर्ट, लिविंग नॉन लिविंग, हैवी लाइट, बिग स्मॉल, जो बच्चे इस एज में बहुत अच्छे से ग्रास्प करना चाहते हैं और उनके अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट के लिए और साथ में आसपास की चीजों से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये बुक्स आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी. इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने लिए ये परचेज कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ. चलिए अब कुछ और मजेदार एक्टिविटीज करते हैं अंश के साथ, जिसमें बच्चे की इमेजिनेशन, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाता है ये समझते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक मिस्ट्री बैग बनाएंगे हम. तो हम इस बैग के अंदर कुछ कुछ चीजें डालेंगे, जैसे ये कार है अंश की, एक ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, ये फेविकॉल है, ये शार्पनर है, ये एक कॉइन है, एक हमने इरेजर डाला और एक हमने पेपर क्लिप डाला. अब इस बैग के अंदर से अंश को मैं बोलूंगा कि आपने ये वाली चीज निकालनी है, कोई भी चीज का नाम ले सकता हूँ, और अंश ने इसमें हाथ डाल के बिना देखे उसको महसूस करके सिर्फ वो वाली चीज निकालनी होगी. इस एक्सरसाइज से आप आईज कवर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आपको देख नहीं सकते. इस वाली एक्सरसाइज से बच्चा अपने सेंस को यूज करके, अपने टेक्टाइल सेंस को, टच को यूज करके, माइंड में उसकी पिक्चर विजुलाइज करके और फिर उस चीज को निकालेगा. सो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल कॉग्निशन एक्सरसाइज. चल आज सबसे पहले आप इसमें से मुझे निकाल के दीजिए पेपर क्लिप. देखिए उसको देख कर ना विजुलाइज करने की जरूरत पड़ रही है, मन में एक इमेज बनाने की, जिस चीज को महसूस कर रहा है वो पेपर क्लिप है कि नहीं है. Yeah, very good. Paper plane. Very good. Okay, next activity निकालते हैं. इसमें next में अब आपको कार निकालनी है. Very good. कार. एक बार ऑफिस में. इस बार आप आइस को कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही देख पाओगे. Okay, so अभी आप इसमें से वुडन ब्लॉक निकालनी है. ये वेरी नाइस. सो वुडन ब्लॉक भी निकाल लिया. तो ये एक्टिविटी जरूर ट्राई करिएगा बच्चों के साथ, उनको मजा भी आएगा, आपको भी मजा आएगा, और साथ साथ में एक बहुत अच्छी कॉग्निशन डेवलपमेंट स्किल भी बच्चे के अंदर आएगा. चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ मेमोरी गेम. अब एक हमने ऐसा बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ कुछ चीजें डालूंगा. फॉर एग्जाम्पल हमने वही चीजें डाली, एक वुडन ब्लॉक, अंश ध्यान से देखना इसके अंदर, एक हमने ये ब्लू कलर का वुडन ब्लॉक डाला, एक हमने पिंक वुडन ब्लॉक डाला, एक हमने रेड वुडन ब्लॉक डाला, एक हमने इरेजर डाला, एक हमने कॉइन डाला, एक हमने कार डाली, एक हमने फेविस्टिक डाला और एक लास्ट हमने सीजर डाला.
छोटी सी सीजर। कितनी चीजें होगा एक बार देख लो। ओके, आप अच्छे से इसको देख लीजिए इन चीजों को। देख लिया? ओके, अब मैं इसको ऐसे करूंगा और इसमें से कोई एक दो चीजें, एक चीज निकालूंगा। मैंने इसमें से एक चीज निकाल के अपने पास रख ली और आप अंश को दिखाते हैं और अंश को पहचानना होगा कि इसमें कौन सी चीज गायब है। इस एक्सरसाइज से बच्चे की मेमोरी पे बहुत अच्छे से काम होगा। विजुअल सेंस से अंश ने पहले इसको देखा, मेमोराइज करने की कोशिश की क्या क्या चीजें थी और जो चीज अब गायब हो चुकी है वो पहचानी है। अंश देखिए अंश इसके अंदर क्या नहीं है। जो से आप थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं मशीन में, कुछ चीजें और डाल देते हैं। एक शार्पनर भी ऐड कर दिया हमने, पेपर क्लिप भी ऐड कर दिया। अच्छा आप फिर से देख लीजिए के अंदर। देख लिया आप, इसको हमने कवर किया और इसमें से हमने एक चीज निकाल ली। अभी अंश को फिर से दिखाते हैं। अंश से बताइए आप क्या चीज मिसिंग है। ये वेरी नाइस, तो अंश की मेमोरी स्किल्स तो अच्छी निकली। अपने बच्चे के साथ मेमोरी एनहांस करने के लिए ये वाला गेम जरूर खेलें। तो हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम बच्चे की मेमोरी पे काम करेंगे। हमारे पास ये तीन ग्लासेस हैं जो कि खाली है और एक ग्लास के नीचे हम ये शार्पनर रखेंगे या कोई बॉल आपके पास है, कोई छोटा सा टॉय वो रख सकते हैं। तो हमने इसके नीचे ये शार्पनर रख दिया। अब अंश को ध्यान से देखना होगा और बताना होगा कि कौन से ग्लास के नीचे शार्पनर है। अंश बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड, तो आपकी बार हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे और फिर अंश बताएगा कि किसके अंदर है। बताइए किसके अंदर है। वेरी गुड, सही बताना। तो ये वाली एक्टिविटी भी एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी बच्चे के साथ उसकी मेमोरी पे काम करने के लिए। डू ट्राई दिस विद योर चाइल्ड। तो हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लोग सीक्वेंसिंग करेंगे। अभी कुछ ब्लॉक्स है हमारे पास, यहाँ रखे हुए अंश के लिए, यहाँ पे मेरे लिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सीक्वेंस बना दिया है, रेड ब्लू रेड पिंक ग्रीन ब्लू येलो। अब सेम सीक्वेंस देके अंश को यहाँ से ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज करना है और यहाँ पे वो ब्लॉक्स अरेंज करना है बिल्कुल इन ब्लॉक्स के सामने। चलिए अंश कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। तो अंश के ब्लॉक्स और मेरे ब्लॉक्स का सीक्वेंस बिल्कुल मैच हो गया और अंश ने, ये देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन जब आप बच्चे के साथ करेंगे तो कलर्स को चूज करना, समझना और फिर उसको पैटर्न को अरेंज करना बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। नाउ आई विल मेक सम पैटर्न्स और अंश को उन पैटर्न्स को फॉलो करना होगा। तो मैंने पैटर्न बनाया यहाँ पर जिसमें मैंने रेड ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया एंड आई क्रिएटेड अ रेक्टेंगल लाइक दिस। अब अंश को सेम रेक्टेंगल इधर बनाओ। अंश बनाइए। मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी, ये रेक्टेंगल है और वो स्क्वायर बन गया। वेरी नाइस। तो देखिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज लेकिन जिसमें पैटर्न्स को बच्चे को कॉपी करना है और सेम पैटर्न्स बनाने हैं, उसमें डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे आप डिफिकल्ट पैटर्न्स के साथ बढ़ा सकते हैं। अब एक और इसका पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से अंश हमारे पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पैटर्न जिसमें मैंने ग्रीन लिया, फिर उसके आगे ग्रीन लगाया, दो येलोज लिए मैंने, सॉरी दो रेड लिए मैंने और एक ब्लू को यहाँ टॉप पे लगाया और एक येलो को मैंने बेस पे लगाया। चलिए अंश आप ये पैटर्न देखिए। Very good, nice, very good, बहुत अच्छे, so nice work. So do this exercise with your children as well and it will be great fun and great learning for them. Now एक और मजेदार activity हम अंश के साथ करने वाले हैं जिसमें अंश को imagine करना होगा चीजें, visualize करनी होंगी और फिर उसकी एक मेंटल पिक्चर अपने ब्रेन के अंदर बना के बताना होगा हमें आंसर। इस एक्टिविटी में हम अंश के बैक पे कुछ नंबर्स ड्रॉ करेंगे और अंश को महसूस करके बताना होगा कि वो कौन सा नंबर है। रेडी अंश? यस। ओके गुड, तो पहला नंबर मैं ड्रॉ करने वाला हूं। अंश आप बताना कौन सा नंबर है। व्हाट इज दिस? टू। वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट नंबर। व्हाट इज दिस? वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट नंबर। सेवन। वेरी गुड, अभी हम नंबर से अल्फाबेट की तरफ जा रहे हैं। मैं एक अल्फाबेट
ट्रेस करूंगा, आप बताना कौन सा है. ओके वेरी नाइस. एक और अच्छा एक बार और करते हैं. वेरी गुड. तो देखिए अंश को भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई इसको समझने में कि कौन सा अल्फाबेट था. ये एक्टिविटी आपके बच्चे की इमेजिनेशन को और उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी. डू ट्राई दिस विद योर चाइल्ड. अभी इस नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग बच्चे को गाइड करेंगे कि आपने डायरेक्शंस की सेंस कैसे डेवलप करनी है. स्ट्रेट क्या होता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, किस तरीके से वर्बल गाइडेंस को कम्युनिकेशन को सुनकर प्रोसेस करके आपने राइट लेफ्ट डायरेक्शंस में चलना है. तो एक छोटी सी फन एक्सरसाइज है, बच्चों के साथ जरूर कीजिएगा. चलिए अंश के साथ एक डेमो लेते हैं. ओके तो पहले अंश स्ट्रेट चलेंगे. स्ट्रेट चलिए अंश. वेरी गुड वेरी गुड. स्टॉप. अब लेफ्ट चलिए. स्टॉप. अब राइट. स्टॉप. अब राइट. स्टॉप. अब टर्न राइट. स्टॉप. गो स्ट्रेट. वेरी गुड. तो ये सिंपल एक्सरसाइज भी बच्चों के साथ आप कर सकते हैं. इसमें बच्चे को डायरेक्शन की सेंस बहुत अच्छे तरीके से समझने आएगी. आई होप आपको आज की एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप अपने बच्चों के साथ ये जरूर ट्राई करेंगे. अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी मदद मिल रही है देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल. यू नेवर नो, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज की जानकारी लगातार मिलती रहे. अक्सर अपने बच्चों के साथ काम करते करते हमने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स बर्न आउट फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं और बहुत जल्दी निराशा अपनी तरफ खींचने लगते हैं. अपने बच्चों के साथ काम करने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए भी कुछ समय निकालें ताकि आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके, अपनी वरीज अपने एंगर अपने सुख अपने दुख दूसरों के साथ बांट पाए. क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे तभी अपने बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रख पाएंगे और आई एम श्योर हम सभी ये कर सकते हैं. तो डू नॉट फॉरगेट टू टेक आउट सम लेजर टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल. क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता. सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. गॉड ब्लेस.